गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज शुरुआत करते हैं हम हमारे कौन सा दिन आज मेरा यूक्रेन के अंदर मेरे तीसरे दिन की। पहला दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया एयरपोर्ट के ऊपर। दूसरे दिन मैं जो मेरे काउच सर्फिंग होस्ट थे उनके साथ था, यानी कल हमने थोड़ी बहुत कुकिंग वुकिंग की, फिर शाम को हम थोड़ा बाहर घूमने गए, और आज सुबह सुबह मैं अपने काउच सर्फिंग होस्ट के घर को छोड़कर इस हॉस्टल में आ गया था जो आपने लास्ट वीडियो के एंड में देखा होगा। अभी सिटी में प्रॉब्लम क्या है कि यूक्रेन के अंदर जो वीकेंड है यानी सैटरडे और संडे को क्वारंटाइन वीक बोला जा रहा है, तो इस दिन लगभग जो घूमने वाली जगह है वो बंद रहती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो जैसे कुछ स्ट्रीट हो गई जो ऑफिशियली तो बंद रहेंगी, लेकिन वहाँ पर आप जाकर यहाँ के नज़ारे देख सकते हो। और यहाँ की जो मेट्रो है वो सोवियत टाइम के दौरान बनाई गई थी, और दुनिया का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको क्यू में ही मिलेगा, उसका नाम है आर्सेनल। आर्सेनल फुटबॉल क्लब है ना, सेम वही नाम, बाकी चीज़ें कुछ सेम नहीं है। और अभी टाइम हो रखा है सुबह के 10:30। वैसे यहाँ पर जो नॉर्मल सनराइज़ का टाइम है वो है लगभग 7:30-8 बजे के अराउंड, और जो सनसेट है वो लगभग 4 या 4:30 बजे सूरज छिप जाता है यहाँ पर। और वही उल्टा गर्मियों के अंदर यहाँ पर दिन बहुत बड़े होते हैं और सर्दियों के अंदर यहाँ पर दिन बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इंडिया यूक्रेन ठंड लग रही है भाई। एज़ कम्पेयर टू इंडिया यूक्रेन जो नॉर्थ पोल है उसके ज़्यादा करीब है, तो इसी कारण से यहाँ पर वो पोलर डेज या पोलर नाइट एकदम मुर्मंस्क वाला सीन तो नहीं है कि एकदम आप एक्सट्रीम जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास महसूस करोगे, लेकिन अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो यहाँ के दिन गर्मियों में बड़े होते हैं और सर्दियों में छोटे होते हैं। तो अब मुझे यहाँ से एक मेट्रो पकड़नी है, और यहाँ पर जो मास्क वाला सिस्टम है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर किसी दुकान उकान में जा रहे हो तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। मैंने मेरी जो होस्ट थी उनसे पूछा था कि भाई यहाँ पर कोई फ़ाइन वाइन है क्या अगर आप मास्क वास्क नहीं लगाते, तो मेरी होस्ट ने ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि भी आपको फ़ाइन लगेगा। और यूक्रेन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम और है, ये एक बफर जोन कंट्री है, एक तरफ रह गया रशिया और दूसरी तरफ रह गई ईयू यानी यूरोपियन यूनियन। कुछ यूक्रेनियन लोग चाहते हैं कि हम रशिया के साथ ज़्यादा क्लोज रहे, और जो मोस्टली यूक्रेनियन है वो चाहते हैं कि वो ईयू का पार्ट बन जाए। मेट्रो स्टेशन स्वतोषिया। ये शोर बहुत करती है भाई। ये है क्यू मेट्रो स्टेशन का मैप। अभी हूँ मैं किधर हूँ, अभी दिखाता हूँ। अभी अपन यहाँ पे हैं स्वतोषिया, और यहाँ से मुझे जाना है अभी शुलविस्किया पे जाना है मुझे। क्यू मेट्रो लगभग 60 से 70 साल पुरानी है। आप यूँ मान लीजिए जब नए भारत की शुरुआत हुई थी ना, तब तो यहाँ पर मेट्रो आ चुकी थी, और लगभग इन मेट्रो स्टेशन के जो एस्केलेटर्स हैं वो काफ़ी लंबे हैं, क्योंकि सोवियत टाइम पर लगभग जितनी भी जगह पर मेट्रो बनी है वो मतलब कि ज़मीन के अंदर खुदाई करते रहे और नेक्स्ट लेवल पर गहरे बना रखे हैं वो। इस एस्केलेटर को चढ़ने में 3 मिनट लगे हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करना है, उसके बाद एक वीडियो एडिट करनी है जिसमें मुझे 2 या 3 घंटे लग जाएंगे, और उसके बाद हम कीव सिटी को एक्सप्लोर करेंगे।
इनके पास शोरमा है तो शोरमा खाते हैं। कीव में आपको जगह जगह पर जो शोरमा के आउटलेट हैं ना वो मिल जाएंगे। अभी मैंने एक बड़े साइज़ का शोरमा लिया है और एक ये यूक्रेन और रशिया के अंदर काफ़ी फेमस है, दबा के पीता था मैं इसको रशिया में। ये है फर्स्ट टी, फ्रूट टी है तो। और इन सब के लिए टोटल मैंने पे किए हैं 110 और 15, 125। आपको इंडियन करेंसी में बता देता हूँ कितने हो गए, 300 रुपये हो गए एक एक्सेल साइज़ का शोरमा और ये एक फर्स्ट टी। एक ठीक ठाक सी जगह पर खा रहा हूँ, अगर मान लो यही मैं किसी स्ट्रीट वेंडर के पास खाता तो और भी सस्ता पड़ सकता था, लगभग 150 रुपये में। लेकिन यूक्रेन उतना महंगा नहीं है जितना मैंने सोचा था। आप यूँ मान सकते हो यूक्रेन इज़ चीपर देन रशिया। भाई ये छोटा शोरमा नहीं है, देखिए पहले मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि ये थोड़ा महंगा है, बिल्कुल महंगा नहीं है। आधा किलो का शोरमा कौन खाता है यार। अगर आपने दिन में एक शोरमा खा लिया ना तो शायद आपको 3 टाइम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा शोरमा था वो। और ये कीव के अंदर मेरा 3रा दिन है और अब तक मैंने सूर्यदेव को नहीं देखा है, और शायद लग रहा है मुझे मैं पूरी इस यूक्रेनियन ट्रिप के अंदर सूर्यदेव के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। यहाँ के लोकल छोटे मोटे मार्केट। अभी मैं जा रहा हूँ एक कोवर्किंग स्पेस के अंदर जहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे बैठकर मैं वीडियो एडिट कर लूँगा, बस पहुँचने ही वाला हूँ। वेलकम बैक गाइस, वीडियो एडिट कर लिया है और अभी जिस वर्क स्पेस के अंदर मैं गया हुआ था उसका नाम था SAD, सैड। जो कोवर्किंग स्पेस थी काफ़ी अच्छी थी, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं यहाँ पर वीडियो बना सकता हूँ तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कोई नहीं यार, जिस काम के लिए मैं गया था वो काम बन गया है। और अभी बाहर का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री तक पहुँचा हुआ है। टाइम है 5:30 और लगभग 1 घंटे पहले ही यहाँ पर सनसेट हो गई थी। बाकी ये पता नहीं सनसेट किस टाइम होती है क्योंकि सूरज तो दिख नहीं रहा जब से मैं आया हूँ, लेकिन एस्टिमेट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उस टाइम सनसेट हुआ होगा। तो अभी सबसे पहले मैं जाऊँगा जो कीव मेट्रो का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर, और उसके बाद कीव की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीट है सोवियत यूनियन के टाइम पर, कीव 3री सिटी थी जिसके अंदर मेट्रो आई थी। इस स्टेशन की जो डेप्थ है वो है 105 मीटर, 105 मीटर्स। इस स्टेशन के इतने गहरा होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर पास से ही बिल्कुल नदी जाती है, और यही कारण होने की वजह से इसको इतना गहरा करना पड़ा, 105 मीटर, दुनिया का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन। अकेली यही चीज़ें नहीं है, इसके जो एस्केलेटर्स हैं ना उन दोनों एस्केलेटर्स को चढ़ने में आपको 5 मिनट लगते हैं। आप एक बार सोच के देखो, अगर ये एस्केलेटर्स नहीं होते तो पब्लिक की क्या लेनी देनी होती है। मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो कश्मीरी गेट पर बड़े वाला एस्केलेटर है ना उसको ही देखो यार कितना बड़ा एस्केलेटर है, और मैक्सिमम उसमें 30 सेकंड लगते होंगे या फिर मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, लेकिन 5-5 मिनट के कोई एस्केलेटर होते हैं क्या भाई। अभी बीच में भी नहीं पहुँचा हूँ शायद मैं। ये सीन है कीव मेट्रो का और स्पेशली आर्सेनल स्टेशन। इस स्टेशन का नाम आर्सेनल क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहले वेपन फैक्ट्री थी। वो तो था पहले वाला एस्केलेटर और ये है दूसरा। तो
आप सोच के देखिए, अगर आप गलती से इस एस्केलेटर पे गिर जाओ तो आप जिंदा बचोगे या नहीं। यूएसए के मैंने मेट्रो स्टेशन देखे नहीं है कि वे जो पुराने मेट्रो स्टेशन है वो कैसे दिखते हैं, लेकिन सोवियत के मैंने रशिया में भी देखे थे और यहाँ पे भी देख लिए हैं। सोवियत यूनियन के टाइम पर मेट्रो स्टेशन पर अच्छा खासा ध्यान दिया था। लगभग मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में तो हर मेट्रो स्टेशन पे अलग अलग टाइप की आर्ट मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि जो कीव के मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल एकदम नीरस है ना, यहाँ के मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी अच्छे हैं यार। ये मेट्रो स्टेशन पे ओल्ड टाइम में देखिए आप। ये था दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, और जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से बाहर आएंगे आपको वो फैक्ट्रियां भी दिख जाएंगी जो लगभग 17 या 18वीं सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। ये ऐसा मेरी जो होस्ट थी उन्होंने मुझे बताया था। सोवियत यूनियन के टाइम की जितनी भी मेट्रो है ना उनकी अलग ही फील है। एक तो वो आवाज़ बहुत करती हैं, फिर चाहे वो आर्मेनिया में येरेवान की मेट्रो, रशिया में येकतिनबर्ग, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, हर जगह यही हालत है। कीव के अंदर भी सिस्टम कुछ अलग नहीं है। और अब मैं जा रहा हूँ कीव की क्रिस्टेटिक स्ट्रीट के ऊपर, जो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीट है। यूक्रेन का सस्ता स्टारबक्स अरोमा कावा। और गाइस मैं पहुँच गया हूँ क्रिस्टेटिक स्ट्रीट के ऊपर, कीव की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीट। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन धुंध होती है उस दिन हवा नहीं चलती, और जिस दिन एकदम साफ मौसम होता है ना उस दिन हवा चलती है। हवा चलने के कारण आपके हड्डियों तक को सर्दी लगती है। बाहर घूमते टाइम आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है, और ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण जो यूरोप की एक असली पहचान होती थी कि यहाँ की जो मेन स्ट्रीट हैं या फिर जो कुछ जहाँ पर अलग तरीके का माहौल होता था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हुई नहीं है। ठंड की प्रेखास्ता ने अपनी चरम सीमा को पार कर लिया है, एंड द करंट टेम्परेचर इज़ एक मिनट रुके, यहाँ पे लिखा हुआ आता है, बस वो दिख जाए उसके बाद बता दूंगा। रब बता दे, यूक्रेन का झंडा है यार अभी तो। सो टाइम हो रखा है 26, अभी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी मैं सिर्फ इस टी शर्ट और ऊपर इस जैकेट के साथ हूँ, जो मैंने जैकेट का जो बटन है उसको खोला हुआ है ताकि मैं इस ठंड के साथ यूज टू हो जाऊँ। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि जैकेट को बैग के अंदर डालो सिर्फ अकेली शर्ट में घूमूं, लेकिन मैं यार ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी यार सच्ची बताऊं, यूरोपियन सिटीज़ के अंदर तब तक घूमने में मज़ा नहीं है जब तक वो पूरे तरीके से खुल नहीं जाती हैं, क्योंकि इन गलियों के ऊपर जो चकाचौंध होती है वो अब नहीं दिखाई दे रही है। गलियाँ आपको एकदम डल सी दिखाई देंगी, जिसके कारण घूमने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हाँ, अगर आप लाइटें देख के संतुष्ट हो जाओ तो बात अलग है। लेकिन आपको याद होगा जब मैं मॉस्को में था या सेंट पीटर्सबर्ग में था, उस टाइम यार गलियों में क्या चहल-पहल रहती थी, कोई कहाँ पे नाच रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन अब वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए ये जो आज वाला दिन है ना, मेरा यूक्रेन के अंदर सबसे पहला दिन है एक्सप्लोरेशन का। तो यार ठंड बड़ी कहर है, ये अभी तक ज़ीरो पे ही पहुँचा है, जब माइनस में होगा तब क्या हालत होगी। रात के 9 बज चुके हैं और शायद अभी मुझे अपने हॉस्टल की तरफ चलना चाहिए। काफ़ी लेट हो जाऊंगा यार। ये आ गया मेट्रो स्टेशन, क्रिशेतिक प्लाजा एंड क्रिशेतिक मेट्रो स्टेशन। ओदिन स्पेसिफिक, ये मैंने टिकट ले ली है अपनी, वही 8 प्रीवियस वाली,
इस QR कोड को और इस QR कोड को आप स्कैन करो। बाहर निकल के टाइम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। हॉस्टल की गली में पहुंच गया हूँ। कीव की सुनसान गलियों में आपका भाई घूम रहा है। मेरा जो हॉस्टल वो थोड़ी सुनसान जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लाइट वाइट नहीं है, और हॉस्टल सच में काफ़ी अच्छा है यार। तो लगभग इन यूरोपियन और रशियन हॉस्टल्स के अंदर आपको किचन इस टाइप में मिलेगी जहाँ पर आप कुकिंग कर सकते हो, और अगर आपको कुकिंग भी नहीं आती है तो भी आपके पास काफ़ी अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल हैं बजाय कि आप रेस्टोरेंट में खाएं। अब मुझे रेडी होना है अगली डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ हिच हाइकिंग, और आज मुझे लग रहा है इनर पहनना पड़ेगा। तो बस गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।